हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों आज हमारा सेशन नंबर 2 है और ये आपकी फ्री डेमो क्लास है। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो जल्दी से पार्ट 1 को भी देखेगा। और उससे आगे की बात है जो आज हम करने वाले हैं। पार्ट 1 में जो हमने किया था उससे आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। तो एक बार आप सब लोग इस सेशन को थोड़ा शेयर भी कर दो यार, जिससे कि बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाए और उनको भी इस सेशन का फायदा हो। क्योंकि ये जो क्लास है दोस्तों, ये आपका यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उन सब में आपको हेल्प करने वाली है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको पता भी होगा कि यहां से सवाल हर एग्जाम में आपसे पूछे ही जाते हैं। तो शुरू करते हैं सेशन को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। उससे पहले दो तीन चीजें आपको बता देता हूं। अगर आपने एकलव्य बैच में अभी तक भी एनरोल नहीं किया है और पेपर 1 को अच्छे से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, बाइलिंगुअल क्लासेस आपकी यहां पे हो रही है एकलव्य बैच में, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 की तैयारी है जो आपको करवाई जाएगी। और हिस्ट्री के लिए आपका चाणक्य बैच चल रहा है दोस्तों, जहां पे हिस्ट्री की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है आपकी चाणक्य बैच में, जहां पर कंप्लीट हिस्ट्री की प्रिपरेशन है जो आपको करवाई जा रही है चाणक्य बैच में, हिस्ट्री पेपर 2 की। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, हैंड रिटन नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, वीकली डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग है, वो सारी चीजें हैं जो आपको हिस्ट्री चाणक्य बैच में मिलने वाली है। अब सबसे पहले तो देखो, मैं कल की जो क्लास हुई थी उसमें काफी चीजें हैं जो आपको बता चुका हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि उस क्लास को देखोगे तो आपको यहां से अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमने हड़प्पा का बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था कि हड़प्पा को आग्ड ऐतिहासिक काल में क्यों डालते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्यों डालते हैं, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। तो बोस्टोफ्रोडन स्क्रिप्ट है, पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट है, जिसको हम सर्पिलाकार लिपि भी बोलते हैं, उसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है, इसलिए इसको हम आग्ड ऐतिहासिक काल या प्रोटोस्टोरिक पीरियड में काउंट करते हैं। उसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे इनसे रिलेटेड, फिर मैंने आपको बताया था इसका इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हमने इसका जो बेसिकली इसका जो साइज है आपका आकार है उसके बारे में हमने बात की थी कि किस प्रकार का इसका आकार है। इसमें जैसे वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार, तो त्रिभुजाकार आकार है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, ठीक है। ये हमने एरिया भी देखा था कि इसका एक्सटेंशन कितना है, यानी कि क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल में मैंने आपको बताया था, उत्तर में हम देखें तो आपका चेनाब नदी यानी मांडा, ठीक है, और दक्षिण में हम देखें गोदावरी नदी दैमाबाद तक, और पश्चिम में हम देखते हैं तो आपका दाश निवर सुतका गेंडोर तक, और पूर्व में हम देखते हैं तो हिंडोन नदी आपका आलमगीरपुर तक, ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उसके बाद में हमने देखा था आपका कौन कौन सी नदी की ये सीमाएं आपकी बनाती है, तो ये भी हमने देख लिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में देखी थी, ठीक है। गोदावरी नदी आएगा यहां पे। उसके बाद में हमने बात किया था आपका कि कौन कौन से नगर हैं, हड़प्पा काली नगर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो हमने हड़प्पा काली नगरों को भी देख लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर के किनारे हैं, रोपड़ सतलज के किनारे हैं, हिंडोन के किनारे आलमगीरपुर है, सुतका गेंडोर के किनारे दास नदी के ऊपर है, कुनाल है ये सरस्वती नदी के किनारे हैं आपका, ठीक है, बनावली है सरस्वती नदी के किनारे है, चहुंदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे है। तो ये कुछ हमने लास्ट क्लास में देखा था। फिर उसके बाद में हमने जो बात की थी दोस्तों, ये इसकी खोज और उत्खनन के बारे में बात की थी कि सबसे पहले चार्ल्स मैसन है जिनका ध्यान जाता है, उसके बाद में हम देखते हैं कि बर्टन ब्रदर्स हैं, उन्होंने भी यहां पर अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की लोगों का, लेकिन बात नहीं मनी। फिर बाद में हम देखते हैं कि आपके जो
जोन मार्शल जब पूरा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बनते हैं उस टाइम पे हम देखते हैं कि आपके दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी, दयाराम साहनी के जोड़ा हड़प्पा खोजा जाता है और राखलदास बैनर्जी के द्वारा आपका मोहनजोदारो की खोज है जो यहाँ पे की जाती है। फिर हमने देखा कि जो सिंधु घाटी है इसका नामकरण हुआ है, इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम कौन कौन से हैं, तो इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति और कांस्ययुगीन सभ्यता, इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम देखे थे। इसके पीछे कारण भी मैंने आपको बताया था कि ये जो नामकरण हुआ है इसके पीछे क्या आज के कारण रहे हैं। उसके बाद में हमने जो बात की थी हमने बात की थी दोस्तों कि कौन कौन सी जो सभ्यताएं हैं, ठीक है, जो इसके समकालीन सभ्यताएं हैं, कंटेम्पररी सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो मैंने तीन सभ्यताएं आपको बताई थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या है, कंटेम्पररी है। कौन कौन सी है, एक तो हमने इजिप्ट की सभ्यता देखी थी जो कि नील नदी के किनारे है, एक हमने मेसोपोटामिया यानी सुमेरियन सभ्यता देखी थी जो टिग्रिस ऑफ यूफ्रेटस नदी के किनारे है, फिर हमने देखा था चाइना की हुआंगू वैली में आपका चाइना चीन की जो सभ्यता है ये क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंटेम्पररी सिविलाइजेशन है, यानी कि समकालीन सभ्यताएं हैं, इनकी हमने लास्ट क्लास में बात की थी। उसके बाद में हमने बात की थी कि सिंधु घाटी के जो स्थल हैं, जो साइट्स हैं, उनके खोजकर्ताओं के बारे में हमने यहां पे बात की थी, एक्सकावेटर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, एक्सकावेटर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक्सकावेटर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदारो है इसकी खोज राखलदास बैनर्जी, मोरिटम व्हीलर, हड़प्पा से दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर, चहुंदड़ो में गोपालदास, गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैके, लोथल में रंगनाथ राव, कालीबंगा अमलालंद घोष और ब्रजवासी लाल, बनावली रविंद्र चंद सिंह बिस्ट, रोपड़ में यश यज्ञदत्त शर्मा और सुतकागढ़ोर में सर मार्क आरेल स्टाइन, ये आपके मेन मेन क्या है, आपके एक्सकावेटर है। अब दोस्तों हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसकी मुख्य मुख्य जो विशेषताएं हैं, मेन मेन जो फीचर्स हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं, इसकी क्या क्या मेन मेन फीचर्स हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं टाउन प्लानिंग की, बात करते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी सिटी प्लानिंग कैसी थी, ठीक है, नगर विन्यास पद्धति। तो देखिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वे में और जितना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी फॉर्म में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अगर हम नगर विन्यास की बात करें तो जो हड़प्पा की जो टाउन प्लानिंग थी है ना, हड़प्पा की जो टाउन प्लानिंग की हम बात करते हैं, टाउन प्लानिंग, तो जिस तरह की आज आधुनिक हमारे जो शहर होते हैं, जो आधुनिक शहर है, उस तरह की टाउन प्लानिंग है जो हड़प्पा की हमें देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें, जैसे चंडीगढ़ है भारत का भी, जो चंडीगढ़ सिटी है दोस्तों वो आपका बहुत वेल डेवलप्ड सिटी माना जाता है, मॉडल सिटी माना जाता है, और चंडीगढ़ ग्रिड पैटर्न पर आपका बना हुआ है। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं कि इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन की जो सिटीज है, जो शहर है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर है ना, आईवीसी की जो आपकी टाउन प्लानिंग है वो आपका ग्रिड पैटर्न पर मानी जाती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से स्ट्रीट वगैरह होती है, प्रॉपर डिजाइनिंग इस तरह से आपका माना जाता है ग्रिड पैटर्न वाले। तो यह बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो विन्यास, नगर विन्यास पड़ती है वो आपका किस पे आधारित है, ग्रिड पैटर्न पर। और यहां पे जो शहर हुआ करते थे उनमें आयताकार या वर्गाकार चौड़ी गलियां होती थी जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे आपका एक ये गली है, ठीक है, और फिर ये गली होगी और ऐसे ऐसे ये आपको समकोण पर काटती थी, ठीक है, जो सड़कें होती थी वो भी आपको राइट एंगल पर एक दूसरे को कट करती थी। तो इस तरह की टाउन प्लानिंग है जो आपका हड़प्पा में देखी गई है बेसिकली, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों वास्तुकला, ठीक है, वास्तुकला यानी कि इनका जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह का था, है ना। तो हम अगर वास्तुकला की बात करें, है ना,
आर्किटेक्चर की बात करें तो भारत में जो आर्किटेक्चर स्टार्ट किया गया था वो इंडस पीपल के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए तो भारत में वास्तुकला का जो आरंभ है वो सिंधु वासियों ने किया था। दूसरा, सिंधु जो सभ्यता थी हम देखते हैं कि एक नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो ये क्या थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। और कल मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी हम किसको बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। भारत में पहला जो नगरीकरण है वो इंडस पीपल के द्वारा ही किया गया था, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। मैंने बताया कि यहां पर जो आपकी जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस तरह से कट करती थी। और जो बिल्डिंग है दोस्तों वो आपकी दो मंजिला होती थी, टू स्टोरी बिल्डिंग। एक जगह है जहां पे आपको थ्री स्टोरी बिल्डिंग मिली है, वो कहां पे है, आपका धोलावीरा, ठीक है। तो धोलावीरा पे तीन मंजिला भवन भी आपको मिले हैं, ठीक है। बाकी आपके मोस्ट ऑफ द की टू स्टोरी बिल्डिंग आपको मिलती है। एक जो दरवाजे होते थे वो खिड़की सड़कों की ओर खुलते थे, ठीक है। दो दरवाजे होते थे वो सड़कों की ओर खुलते थे, ये चीज आपको याद रखना। और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो थी वो कौन सी है, अन्नागार है आपके। अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है, इसको हमें याद रखना है। और जो फर्श होता था वो कच्चा होता था और केवल कालीबंगा में पक्के फर्श के साक्ष्य आपको मिले हैं। और कालीबंगा से ही दोस्तों आपकी जो, वैसे तो हम एक एक साइट को डिटेल से भी पढ़ेंगे, तो कालीबंगा में आपको एक चीज और याद रखनी कि लकड़ी की नालियां भी मिली है आपको, है ना, नालियां भी आपको मिली है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत वेल डेवलप सिस्टम है जो आपका इंडस वैली का माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इंडस वैली की कृषि व्यवस्था की, कि जो सिंधु घाटी थी उसकी एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था वहां पे। तो एग्रीकल्चर सिस्टम की जब हम बात करें तो यहाँ पे मेन चीजें क्या है, जैसे विश्व में कपास का जो उत्पादन है वो सबसे पहले कहां पे हुआ था, वो इंडस में हुआ था। तो कपास का जो उत्पादन है सर्वप्रथम कहां, किसने किया था, सिंधु वासियों ने किया था। अब बात आती है कि जो इंडस पीपल थे वो कौन कौन सी फसलों को उगाते थे। अगर हम फसलों की बात करें दोस्तों तो सिंधु वासी एक तो चावल है ना, और इसका साक्ष्य आपको कहां से मिला है, लोथल से। ये क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में चावल उगाते थे तो उसका साक्ष्य आपको कहां से मिला है, तो वो आपको कहां से मिला है, लोथल से। बाजरा, बाजरे का साक्ष्य आपको लोथल और सौराष्ट्र में मिला है। एक रागी, सरसों, और सरसों का साक्ष्य है जो आपको कहां से मिला है, कालीबंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको याद रखिए आप सब लोग, इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसी फॉर्म में आपके सवाल हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है। अब देखिए सिंधुवासी जो है वो हल का प्रयोग करते थे, और इसके जो साक्ष्य हैं वो आपको कहां से मिलते हैं, बनावली से मिलते हैं, ठीक है। इसके साक्ष्य आपको कहां से मिलते हैं, वो आपको बनावली से मिलते हैं, इसको जरूर याद रखना कि आपसे पूछे कि हल के जो साक्ष्य हैं वो आपको कहां से मिले हैं, वो आपको बनावली से मिले हैं, ठीक है, इसको हमें याद रखना है। क्लियर एवरीवन, तो ये चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर है जो होनी चाहिए। अब देखो यहां से दो चीजें हैं, एक आपसे पूछा कि जुते हुए खेत है ना, तो जुते हुए खेत है यहां पे लिखा हुआ है कि जुते हुए खेत है उनके साक्ष्य आपको मिलते हैं कालीबंगा से, और हल का साक्ष्य है वो आपको बनावली से मिला है, ठीक है। एक गन्ने का कोई साक्ष्य है जो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है, तो कई बार आपको फंसाने की एग्जामिनर कोशिश करता है कि क्या सुगर केन का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है, तो बिल्कुल नहीं मिला है। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स है जो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड याद रखने हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं पशुपालन की, ठीक है, यानी कि आपका एनिमल हस्बेंड्री की, कि कौन कौन से पालतू पशु वो पालते थे और कौन कौन से एनिमल उस टाइम पे मिलते थे। एनिमल हस्बेंड्री की हम यहां पर बात करते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री की हम यहां पे बात करते थे तो सिंधु वासी जो लोग होते थे वो हाथी और घोड़ों से क्या थे, परिचित थे। अब आपसे एक सवाल पूछा गया था, ये यूपीएससी प्रीलिम्स का भी सवाल है और अपने एनटीए का भी सवाल है,
से पूछा गया था कि घोड़े के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो जो घोड़े का जो साक्ष्य है वो कहां से मिला है, सुरकोटड़ा से मिला है। कहां से मिला है आपको, सुरकोटड़ा से मिला है, उसका अस्थि पंजर यहां से मिला है। और सिंधुवासी गैंडा बंदर भालू खरहा आदि जंगली जानवरों का उनको ज्ञान था। याद रखना, शेर का कोई साक्ष्य है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको नहीं मिला है। देखो ये जो नहीं मिला है ना, ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछेगा फंसाने के लिए ऐसी चीजें। तो आपको जैसे सुगर केन कृषि में नहीं मिला है, शेर का साक्ष्य नहीं मिला है। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जानवर हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में जिनका वो पशुपालन करते थे, एनिमल हस्बेंड्री में मिले हैं। तो ये आपको हमें याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों व्यापार और वाणिज्य, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं तो यहां पे कोई करेंसी नहीं चलती थी। तो भाई लेन देन कैसे होता था, तो उनका लेन देन होता था दोस्तों ये बाटा सिस्टम पे होता था, ठीक है। बाटा सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली जो होती थी उसके ऊपर इनका लेन देन था, वो आधारित था। अब ये जो वस्तु विनिमय जो प्रणाली होती है दोस्तों, ये काफी ज्यादा आपके लिए एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। अब जो वस्तु विनिमय जो प्रणाली होती थी, इसमें क्या है कि जैसे आपको कैश नहीं देना है, आपको जैसे एक किलो अनाज के बदले आपको एक किलो आलू मिल जाएगा, एक किलो टमाटर मिल जाएगा, यानी वस्तु के बदले वस्तु मिलती थी यहाँ पे। तो करेंसी थी नहीं, तो बाटर सिस्टम से आपका होता था। सिंधु सभ्यता के लोग अन्य सभ्यता के लोगों के साथ में क्या करते थे, व्यापार करते थे। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का जो ट्रेड रिलेशन था वो कौन कौन सी कंट्रीज के साथ में था। तो सिंधु सभ्यता के लोग किस किस के साथ में व्यापार करते थे, जैसे टिन का व्यापार अफगानिस्तान और ईरान से होता था। तांबा कहां से आता था, खेतड़ी राजस्थान से आता था सिंधु घाटी सभ्यता में। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से आती थी। सोना जो है वो अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से आता था। सीसा है ईरान अफगानिस्तान और राजस्थान से आता था। लाजवर्द है दोस्तों मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से आता था। और हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्पियों और व्यापारियों का शासन था। मतलब अगर हम पॉलिटी की बात करें कि वहां पे लोग शासन कौन करते थे, जो शिल्पी और व्यापारी होते थे वही वहां के शासक वर्ग भी थे, ठीक है। तो ऐसा बताया जाता था कि व्यापारी वर्ग ही वहां का क्या है, आपका शासक वर्ग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे, नेक्स्ट हमारा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनका रिलीजन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला ये सवाल कई बार आपसे पूछा गया है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में आपको टेंपल्स मिलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता से मंदिर का कोई अवशेष है जो उनको नहीं मिला है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से मंदिर का कोई अवशेष है जो उनको नहीं मिला है, तो ये चीज आपको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता से मंदिर का कोई अवशेष है जो उनको प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मोहनजोदारो की एक मोहर है उस पे आपको स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। अब यहां से एक सवाल मिलेगा कि क्या हड़प्पा सभ्यता में आपको स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, तो इसका आंसर होगा यस। अब पूछेगा कि कहां से मिला है, तो आपको मोहनजोदारो में मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी, ये आपको जरूर याद रखना है कि हड़प्पा में किसकी पूजा होती थी, कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। अब हड़प्पा जो सभ्यता है दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसमें हम देखते हैं कि आपका जो नेचर वर्शिप है, ट्री वर्शिप के भी एविडेंस मिलते हैं। तो वहां पे हम देखते हैं, एक तो देखो आपके पीपल और बबुल, पीपल और बबुल की पूजा की जाती थी। अब आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता में किस पेड़ की या किस वृक्ष की पूजा की जाती थी, तो पीपल और बबुल। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंधविश्वास में भी विश्वास करते थे, यानी जादू टोना में भी वो विश्वास करते थे, ब्लैक मैजिक में भी वो विश्वास करते थे, ठीक है। ब्लैक मैजिक एंड आपकी जो रीबर्थ की जो थ्योरी है उसमें भी वो बिलीव करते थे, ठीक है। तो प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्जन्म में भी वो विश्वास करते थे। अब पुनर्जन्म का हमें कैसे पता लगा, कि उनकी जब हमने कब्रें देखी, उनकी ग्रेवयार्ड्स देखी, तो उनमें उनकी जब किसी इंसान को जो जरूरत की चीजें होती वो सब उनकी कब्र में मिली है, यानी कि वो ये समझते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ भी का भी कॉन्सेप्ट है जो होता है। तो ये रिलीजन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो हड़प्पा से रिलेटेड है।
उसके बाद में दोस्तों अंत्योष्टि के प्रकार आपसे कई बार पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ फंडल्स, है ना। तो यहां पे एक तो देखो पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, तीन तरह के क्रिमेशन आपके जो प्रैक्टिसेस हैं जो हड़प्पा में आपकी देखी जाती थी, ठीक है। और एक दो चीजें, एक दो फैक्ट्स और है कि लोथल से आपको युग सवादान का साक्ष्य भी मिला है, और कुछ विद्वान जो लोथल से जो आपको मेल और पुरुष, मेल और फीमेल का एक साथ जो ब्रियर मिला है उसको बोलते हैं कि हो सकता है कि सती सिस्टम का भी हमें साक्ष्य मानते हैं कि उस टाइम पे सती प्रैक्टिस है जो होती होगी हड़प्पा में, तो ऐसा भी माना जाता है आपका, ठीक है। और रोपड़ के मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिले हैं, अब ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, आपसे ये पूछा जाएगा कि मेल और फीमेल का जो युग्म समाधान है वो कहां से मिला, तो वो आपको लोथल से मिला, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि सती प्रथा का जो प्रमाण है वो किस अवशेष को मानते हैं, तो ये लोथल का युग्म समाधान। आपसे पूछा जाएगा कि रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य आपको कहां से मिला है, तो वो आपका रोपड़ से मिला है, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है, तो ये चीज हमें पता होनी। अब बात करते हैं दोस्तों हम स्क्रिप्ट की, ठीक है, लिपि की, सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट की हम बात करते हैं, स्क्रिप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अगर हड़प्पा की स्क्रिप्ट की हम बात करें दोस्तों, तो वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। और वो स्क्रिप्ट है वो बोस्टोफ्रोडोन लिपि है आपकी, जो आपकी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, जैसे जनरली हम कैसे लिख रहे हैं इस तरह से, और सॉरी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है आपकी, है ना। और हड़प्पा कैसे लिखी जाती है, यहां से ऐसे, तो इसको हम सर्पिलाकार लिपि भी बोलते हैं और बोस्टोफ्रोडोन लिपि भी बोलते हैं। ये जो लिपि है दोस्तों, इसके बारे में पहली बार जो सोचने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो कनिंगम साहब हैं जिन्होंने पहली बार इस लिपि के बारे में सोचा, और पहली बार इस लिपि को जो पढ़ने का जो प्रयास किया वो किसके द्वारा, एल ए बेडल के द्वारा इसको पढ़ने का किया। और सिंधु की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोरल आपकी लिपि थी, इसको जरूर याद रखना है। और क्यों, अब इसके जो चित्र हैं उसमें जैसे मछली का, चिड़िया का, मानव आकृति का, इनके चित्र हैं जो मिलते हैं, जो मैंने बताया कि दाएं से बाएं ये लिखी जाती थी बेसिकली आपका, ठीक है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट ये लिखी जाती थी, इस तरह से आपका लिखा जाता था, ठीक है। पिक्टोरल स्क्रिप्ट थी, सिंबल कैसे मिलते थे, फिश के, बर्ड के, ह्यूमन फिगर, ये सब इनमें मिलते थे। और सबसे पहले इसको पढ़ने का जो प्रयास किया गया था वो एल ए मेंडल के द्वारा किया गया, है ना। और इसके बारे में पहली बार जो सोचा था वो अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसको सोचा था, ठीक है। और राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, फिगर्स, फिश, बर्ड, ह्यूमन फिगर यहां से आपको मिलती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं, उनको भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। पहला, सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक प्रोटोस्टोरिक युग में रखा जाता है, पहली चीज एक याद रखना कि ये प्रोटोस्टोरिक पीरियड में ये बिलोंग करती है। सिंधु सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे, द्रविड़ियन थे और भूमध्य सागरीय लोग थे, ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा जो साइट आपको मिली है वो आपको कहां से मिली है, गुजरात में मिली है। अगर मैं इंडिया की बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ज्यादा साइट है वो किस स्टेट में है, तो आपकी गुजरात में है। और बंदरगाह वाले शहर कौन कौन से थे, ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि पोर्ट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, पोर्ट सिटीज ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटीज कौन कौन सी है, तो एक तो लोथल, एक सुतका गेंडोर, ये आपकी सुतका दो, है ना, ये आपकी क्या है, पोर्ट सिटीज है, ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। और ये कहां पे है, ये आपकी गुजरात में है, लोथल, धोलावीरा और सुतका गें, ये आपकी कहां पे है, गुजरात में। मन के बनाने का जो कारखाना है वो लोथल से और चौंदड़ो से आपको मिला है,
तो आपसे कोई पूछे कि मन के बनाने का कारखाना आपको कहां से मिला है, लोथल और चौंदुड़ो। अब देखो लोथल को भी डिटेल से पढ़ेंगे और चौंदुड़ो को भी डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि साइट्स पे अभी हम आए नहीं है, एक एक साइट को बहुत डिटेल से आपको पढ़ना है। आपको चौंदुड़ो के बारे में ए टू जेड डिटेल पता होनी चाहिए कि यहाँ पे लिपस्टिक के, यहाँ पे आपको बिल्ली के अस्थि पंजर के निशान मिले हैं, है ना, कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है, ये एग्जांपल मिले, लोथल है, इसके बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए। तो ये हम डिटेल से करेंगे, अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बता रहा हूं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें हैं गेहूं और जौ, ये आपको पता हो कि मेन फूड क्रॉप्स कौन सी थी, मेन क्रॉप्स कौन सी थी, तो गेहूं और जौ। और तोल की इकाई जो थी वो 16 के अनुपात में थी। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि तोल की इकाई थी वो किसके अनुपात में थी, तो 16 के अनुपात में। और सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में करते थे, ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना है। और सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती है, और हम सिंधु सभ्यता को मातृ सत्तात्मक, ठीक है, मातृ सत्तात्मक व्यवस्था के रूप में ही देखते हैं, मातृ सत्तात्मक। और सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, ये हमने देख लिया है। और पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी सिंधु सभ्यता में क्या थी, प्रचलित थी। तो आपसे पूछे कि क्या पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, तो बिल्कुल, ठीक है। तो ये अदर आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आएंगे। अब दोस्तों आपका स्टार्ट होगा हड़प्पा कालीन स्थल, ठीक है, जिसमें पहले हम हड़प्पा पढ़ेंगे और फिर मोहनजोदारो पढ़ेंगे और फिर आपका लोथल पढ़ेंगे। ऐसे करके हम पूरे के पूरे जो हड़प्पा के जो मेन मेन जो स्थल हैं जहां से आपके प्रश्न आते हैं उनको पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ेंगे हम हमारे पार्ट थ्री में, ठीक है। पार्ट थ्री में ये सारी की सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पार्ट थ्री में हम ये पढ़ेंगे और पार्ट थ्री में मैं आपको कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं, उनको भी आपको बता दूंगा। और ये नोट्स हैं ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आपको नोट्स वगैरह है वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। अब दो तीन बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो देखो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और मेरे से पढ़ना चाहते हैं और जीआरएफ के लिए पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल लाइव क्लासेस के साथ में पढ़ना चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए, डेली क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, तो आपके लिए चाणक्य बैच है दोस्तों, ये ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं। और इसमें कंप्लीट हिस्ट्री का कोर्स है, यूजीसी नेट पीजीटी का कोर्स भी आपका कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सारे के सारी चीजें हैं जो आपको एक ही कोर्सेज से मिलने वाली है, ठीक है। और इसमें आपका कंप्लीट कोर्स कवर होगा इस बैच में, फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए, लाइव क्लासेस होंगी सारी की सारी, यूजीसी नेट का जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अनुसार सारी की सारी क्लासेस होंगी, वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन, और सबसे अच्छी बात है कि दोनों मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्लासेस होंगी। और ये मिलेंगी कहां से आपको, अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर मिलेंगी, और ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है, इनसे आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप सब लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।